साहब जी सर, हम दोनों ऐसे हैं जैसे मियां बीवी नहीं आते। थैंक यू मियां कहने का। मियां मियां ना कहलवाना वरना फिर आवाज लगाएगा क्यों निकाला। सबसे पहले तो अस्सलामुअलैकुम भाईजान, हमने आपको सलाम करना है। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं इसलिए कि लोग नीचे लिख देते हैं जब प्रोग्राम ऑन एयर जाता है तो अक्सर यूट्यूब पे नीचे लिखा होता है कि सलाम इन लोगों को करना नहीं आता। ये जो कमेंट वाले लोग है ना, अल्लाह इनसे बचाए, ये किसी भी सूरत आपको छोड़ते नहीं है जी। और सर वो 20-25 कमेंट के बाद ना एक कमेंट आता है, मुझे मैं तो ये जानता हूँ ये पीता है। भाई तो उसके साथ बैठा है। अच्छा, साथ एक बंदे की आदत होती है वो ना, जब कोई क्लिप देखते हैं ना उसमें लिखा होता है मूवी नेम या ड्रामा नेम लिखा होता है। अभी आज मैंने क्लिप देखा, वो सियासत की बात चल रही थी, कहता मूवी नेम फिक्स अपनी जगह पे। आप दोनों भाइयों को इसलिए तकलीफ दी है, एक तो ये आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप दोनों ने माशाल्लाह, क्योंकि आप दोनों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और कॉमेडी के हवाले से, तो हमने कहा कि कॉमेडी के हवाले से थोड़ी सी बात करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ आई एम श्योर कि आप लोगों की नॉलेज में भी होगा कि कॉमेडी करनी मुश्किल होती चली जा रही है। ऐसा ही है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉमेडी हो बहुत रही है। जुगतबाजी जो थी, जो पंजाब की एक सकाफत का हिस्सा ही है, ऐसा ही है। अब जुगतबाजी से लोग परहेज करते हैं क्योंकि जुगत हमेशा किसी के चेहरे के हवाले से या जिसामत के हवाले से या रंग के हवाले से या प्रोफेशन के हवाले से जुगत मारी जाती थी। लेकिन हमारा जो स्कूल हम दोनों का वो है सिचुएशन कॉमेडी का। नहीं नहीं, मैं पहले बात कर लूं फिर उसके बाद। पंजाब। अच्छा वैसे भी जिस चीज दे नाल बाजी लग जाए ना लोग बड़ी तनकीद करते हैं, कबूतर बाजी, जुगत बाजी और काफी बाजियां तेरी उल्ट बाजी लग जाए। प्रॉब्लम ये हो गई है कि इतनी सारी एनजीओ आ गई हैं जो कि मुख्तलिफ चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। वो कहते हैं जी बॉडी शेमिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, रंग रूप ये तो अल्लाह की देन है, तो हमने हर चीज में मुश्किलात डाल दी हैं। ह्यूमर का क्या बनेगा ये जानना चाहता हूँ आप दोनों से। कुछ नहीं बनेगा, एक दिन खत्म हो जाएगी और ना आप खत्म नहीं होती, शक्ल बदल जाती है उसकी, किसी और फॉर्म में आ जाएगी। हाँ ये तो रहेगा, ये मतलब ये चीज रुकती तो नहीं है, क्योंकि जो हमारी एक सरजमीन है वो हर जगह अपनी अपनी एक नवयत रखती है। मतलब मुल्तान जैसे सोन अलवा है, मतलब आप उसको नहीं कर सकते, फैसलाबाद वहाँ पर जुगत है। आज भी चले जाएं आप रिक्शे वाले से बात करेंगे तो आपको पंचलाइन तो आएगी आएगी। ठीक है, वो बंदा कहे जी कि मैंने अपना गुरु नानकपुरा जाना, वो कहता जा मैं तेन मना कर रहा हूँ, मैं सवेर की रोटी नहीं खाती पुत्र, टाइम ना क्यों नहीं खाता। भाई मतलब ये चलता रहता है। एजाज भाई का कहना यही है कि ये जुगत की वजह से कॉमेडी मुश्किल, मतलब हमने इतना भर दिया जुगत के, अब हम क्या करें इसके आगे। नहीं हो सकती है, अभी हो रही है, लोग ऐसे हैं। हाँ जी, हमने कंटेंट छोड़ दिया है, हम ड्रामे में एक थीम लेकर चलते थे ना, हमने उस थीम को छोड़ दिया। अब ये होता है कि बगैर डायरेक्टर के और बगैर स्क्रिप्ट के सेट के ऊपर आ जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में कोई भी एक्टर बगैर स्क्रिप्ट के और बगैर डायरेक्टर के नहीं आता, वो सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर आते हैं जो स्टेज पे काम करते हैं। वाह, तो सर ये अच्छी बात है हमारे लिए कि नहीं? बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है। चीज की तरतीब ही नहीं है, आपको एक चीज आती है, आपके अंदर एक विट है, आपको एक पंच लाइन करनी आती है, आप उसकी तरतीब बना लें, आपका पूरी दुनिया में अच्छा नाम होगा। जब आप उसको रश में करेंगे, रश में एक दूसरे के साथ वो गालियां बन जाती हैं, उसको फांसी कहते हैं। इससे पहले कि हम मजीद बातें करें शकील सिद्दीकी साहब से और नसीम विक्की साहब से, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। वेलकम बैक टू जी सरकार जी, आपने सरहद पार हिंदुस्तान में भी काम किया है, क्या उनकी विट में और हमारी विट में फर्क है? 100 times हमारी विट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी ऊपर की है कि वो जो है वो तरतीब से कर रहे हैं। हाँ, हमारे से आगे निकल गए। हमें बुलाया ना अगर तो हमारे टैलेंट को ना उन्होंने इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। देखिए हम 5 rehearsal करते थे 10 minutes के एक्ट के लिए, अब अंदाजा कर ले 5-5 घंटे 5 days यानी 25 घंटे रिहर्सल कर रहे हैं 7-8 minutes के स्क्रिप्ट के लिए। सो अगर शकील भाई मैं ये कहूँ कि उनकी जितनी भी कॉमेडी, जैसे उनका दी मोस्ट पॉपुलर कपिल शर्मा शो,
उसके हर एक्ट की इतनी देर होती है रिहर्सल। अब कपिल जो शो करता है ना वो टेलीप्रॉम्प्ट पे करता है पूरा, और उनके 12-13 क्रिएटिव होते हैं। तो क्या हुआ ना, कम से कम 8 या 9 कपिल का 8-10-12 राइटर होते हैं। उसका अपना कुछ नहीं है, उसके सिर्फ अपने कपड़े भी नहीं है, उसके सिर्फ अपना मुंह है, वो लेके आता है सेट पे। नहीं शकील भाई, इसमें मतलब थोड़ा सा ये है कि टैलेंटेड वो है, उसका फ्लो जो है वो बहुत शानदार है। वाह वाह। अगर हमारे तरतीब के साथ उसी तरह सबको बना के देना शुरू कर दे तो ये शो पहले यहाँ बनते हैं फिर उनके पास जाता। सॉरी टू कट यू, हमारे यहाँ माजरत प्रॉब्लम ये कि स्टार नहीं बनाना, कि अगर ये स्टार बन जाए तो खराब करते हैं। हम क्रिटिक बहुत अच्छे हैं, हमें ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि एक कौन है कुछ भी नहीं आता, मैं 200 में तुम्हें दीजिएगा तो दूसरा ले आ देना। हमारे अंदर ये चीजें जा रही, हमें जब पता चल जाएगा, हम जब मानना शुरू कर देंगे कि हमारे पाकिस्तान में मतलब एक्टिंग क्या है। जब आप ये नहीं कि भाईजान मुंह पे बैठे हैं कि नुमान एजाज साहब की एक्टिंग देखने के बाद मैं नहीं समझता कि बंदा काम करे। वाह वाह वाह, हम काम नहीं कर पा रहे उनको देखकर। क्या तकलीफ, अगर खुल के ताली इस बात पे बजा लोगे तो सर बात ये है कि हर शो में इतनी तारीफ होती है आपकी, यार हम इतने मुनाफिक माशर में रह रहे हैं, लड़का छेड़े तो लोफर, लड़की छेड़े तो ऑफर। आपकी जिंदगी में ऑफर नाम की चीज तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है यार, एक ही बीवी है। हाँ प्लीज, अभी बात हो रही कपिल शर्मा शो, बोल पड़ा। अभी कपिल शर्मा की शो की बात हो रही है, विकी साहब शो का आइडिया भी थोड़ा सी, तुसी एक्ट भी किता, राइटर भी रहे, तुसी एहो जिया शो एथे क्यों नहीं स्टार्ट कर दे? बड़े लोगों का सवाल है सोशल मीडिया, इतने पैसे दे, सोशल मीडिया पे सवाल है, लेकिन यहाँ पर मुझे माने कौन? हम मान रहे ना, क्यों नहीं मानते? तू लगा पैसा लगा, माना जा रहा होता तो अपना वो 2011 में शुरू किया है शो 12 में, ठीक है, उसके बाद 15-16 तक मैंने वो शो किया है, तो अभी तक तो किसी ने नहीं करवाया, ना किया हमने। वो जो बात की थी ना कि इसने वहां स्टार बनाते हैं, यहाँ स्टार अगर बन गया तो उसको खींचना कैसा है, ये करते हैं एक जुमले की जो है ना वो ऐसी कीमत अदा करते हैं कि मजा आ जाता है। हम लोग, मैं शकील भाई, एक प्रोग्राम कर रहे थे कॉमेडी नाइट बचाओ, रोस्ट करते थे उसमें, तो एक दिन चंकी पांडे आए हुए थे, तो वो राइटर लिख रहा था, मैंने कहा पाजी एक पंच लाइन दसो कोई तुम्हें जी करनी है चंकी पांडे से, मैं क्या ठीक है तू एक पंच लाइन लिख दे कि महल की ना हूँ किसी बंदे की शादी नहीं हो रही, कहते वह क्यों? मैं क्या लोग कहने लग पे जितों का हीरो है उतों का आम बंदा किहो जिहा होएगा? सारी रात इस गल के उत्ते हसते रहे, खुश होते रहे, ठीक है कि यार पंजाब की पंच लाइन जी इधरों आती है, पाकिस्तान वालों आती है, वह एक मजा अपना। हमारा हमारा एक एक इस्तला इस्तेमाल की जाती है कि हम बड़ी बारीक बातें करते हैं, जैसे अनवर मकसूद साहब करते हैं, जिनको समझना पड़ता है। हमारी ये है प्रॉब्लम कि हम लोग बारीक बातें करते हैं। एजाज भाई पता है क्या मसला क्या है, मोइन भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मजाक करना और मजाक उड़ाना दो अलग चीज है। जी जी, वो जो आप बात कर रहे हैं थिएटर में, आप मजाक उड़ाया जाता है हंसाने के लिए, वो जो है मुंह पे बात करना, नाक पे बात करना, तेरी शक्ल तेरी। अच्छा, हम तो अब तो खैर खत्म हो गया, वरना माँ बहन तक तो आ गए थे, आए हुए हैं सर, आए हुए हैं। हाँ, हमारे अक्सर इस तरह के जितने प्रोग्राम चलते हैं उनमें लफ्ज साला बड़े कन्वीनियंटली इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा ये करते हुए जरा भी दिक्कत नहीं होती, जो कि बिलो द बेल्ट बात है बहुत ज्यादा। अच्छा, हम अब तक आप तो थिएटर उसमें अनुमान भाई नजर ही नहीं कहीं आता। नहीं, मैं माना चाहता हूँ अब हम थिएटर टेलीविजन पे ले आए, और यही टेलीविजन जो है थिएटर के आर्टिस्टों से नफरत करते थे जमाने में, बड़े लाउड है, वल्गर है, आज इनके बगैर काम नहीं चल रहा। मैं एक प्रोग्राम जो इससे पहले करता था उसमें मेरे साथ जो कॉमेडियन हजरात थे, तो मुझे एक दिन एक और मेरे कुलीग जो उसका हिस्सा नहीं थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा तू किना नू शो, मैं कह यार मैं दी परसेप्शन बदलना चाहना, दे आर नॉट लाइक दैट, एहो जी लोग नहीं है जो बिलो द बेल्ट गल कर। उन्होंने कहा कि तू किना जाहिलां दी परसेप्शन बदलना चाह रहे हैं, और ये कभी इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। आप यकीन कीजिए वो कर गए थे इम्प्रूव, और जब तक वो मेरे साथ प्रोग्राम करते रहे बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं हुई। ऐसा ही है। आज टूटना भी होती है हर शो में, आप उठा के देख लीजिए, और उसमें बदतमीजी भी होती है, मुझे याद है एथिकली रॉन्ग। जब आप इतना अपने प्रोग्राम में लफ्ज साला इस्तेमाल करेंगे तो वो हर बच्चा जो देख रहा है वो भी बोलेगा, तो आपके प्रोग्राम का उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जो वो प्रोग्राम देख रहा है? तो हम भूल जाते हैं, ऐसा ही हम सारी बाउंड्रीज भूल जाते हैं। हम जब भाई लोग आपस में बैठ के बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी कोई गुफ्तगू ना करें, और जो मोइन साहब की आपने बात बोली तो मैंने यही बात की थी कि हमारी कोशिश होनी चाहिए मजाक करने की, उड़ाने की नहीं, क्योंकि हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है किसी का मजाक उड़ाना। अच्छा, मैंने हम लोग बैठे हैं
बोले इसमें बेइज्जती किसी की ना हो, हंसी आए। और सर हमने इस पे इतना अमल किया कि हम मजाक उड़ाना तो दूर की बात, हम बात भी नहीं करते गेस्ट से। उनको नॉर्मल में का कहना, सॉरी टू कट यू, कहते ज्यादा बोलना कॉमेडी नहीं, अच्छा बोलना कॉमेडी। सही है, तशनगी रहती ना उसमें। और कई प्रोग्राम आप उठा के देखेंगे, नहीं की इन्होंने नोमन भाई का पॉइंट ऑफ व्यू सटायर कॉमेडी, और इनकी सटायर कॉमेडी के चक्कर में हम तीनों कॉमेडी से रिटायर हो गए।